मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए पास। बीए पास? इज्जत ही नहीं है यार, इज्जत ही नहीं इस कंट्री में। लेकिन व्हाट्सएप इंडस्ट्री ये नहीं बताएगी क्या रहा बीए कर रहा है? चलो पीछे आके खड़े हो जाओ, बीए कर रहे हैं। इधर अजूबे हो कंट्री में कि बस इसके बाद जीवन में हिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी। तो आप तैयारी करोगे 20 साल 25 साल 30 साल आप एमबीए कर रहे हैं? महाबर्बाद आदमी। कि इस देश में ह्यूमैनिटीज को कोई इज्जत ही नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हैं ना इस कंट्री में तो आपको लोग बर्बाद आदमी समझेंगे। क्या रहे बीए कर रहे? चलो पीछे आके खड़े हो जाओ, बीए कर रहे हैं। इधर आप एमबीए कर रहे हैं? महाबर्बाद आदमी। तो भी थोड़ा इज्जत है, साइंस की तो बड़ी इज्जत है और आईआईटी की तो खैर कहने ही क्या। लेकिन जहां आपने कहा बीए, बहुत रेयर केस में जो लोग ग्रेजुएशन बीए वगैरह करते हैं, बीए ऑनर्स वगैरह, वो बहुत रेयर केस में बताते हैं लोगों से। आईआईटी वाले तो कहीं भी फंक्शन होगा तो आगे खड़े हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं भैया? आईआईटी कानपुर। अच्छा अच्छा। अब चूंकि और आप जितने लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी, 10th तक हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ाया गया और 10th का टीचर हमें क्या कहता था बार बार कि बस इसके बाद जीवन में हिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में सिविक्स कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में जॉब बेटा है बस एक साल बेटा। अब उस टीचर का चेहरा बहुत याद आता होगा। बोल हमें ये स्कूलों में बताया गया ज्यादातर, हो सकता सब में ना हो लेकिन ज्यादातर स्कूलों में, हमारे स्कूल में हमारी हिस्ट्री की टीचर बोलती थी बस अब जीवन में हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं। हमें क्या पता था हिस्ट्री से ही जिंदगी चलेगी? हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा की तरफ से जो उसका तोपची है ना, आर्टलरी मैन हाकिम खान सूर, राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा सांगा की तरफ से चार चार मुसलमान सरदार लड़ रहे हैं, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये नहीं बताएगी। मैंने कहा ना 10th के बाद लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। 95% इस कंट्री का लड़का उसमें चला गया साइंस में, उसको नौकरी करनी थी तुरंत, मेडिकल की तैयारी करनी थी, डॉक्टर बनना था और इंजीनियर। 90s के बाद यहां कंट्री में दो ही चीज लोग बन रहे थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। हिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी। लिबरलाइजेशन के बाद बड़ा जबरदस्त नौकरी भी मिल रही थी दोनों को, फिर 2008 में डिप्रेशन आ गया, फिर सब भागे यूपीएससी की तरफ। ये यूपीएससी का जो बूम है वो 2008 के डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। नौकरियां खत्म हो गई ना, नौकरियां खत्म होने लगी। आईटी कानपुर के लड़कों को लगा कि हम जब 15 घंटा पढ़ ही लेते हैं तो एक राउंड और। आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्या होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके सेटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो एक घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहां हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में देख बैठा दो, वो 6 घंटा बैठा रहेगा वहां, ना उसे गर्मी लगेगी ना ठंडक लगेगी ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो। बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। तो आईआईटीएंस की चूंकि हैबिट अच्छी है पढ़ने की, सेटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर सीसेट ने 4 चांद लगा दिया, प्री उनका निकलना ही था। लेकिन हम हिंदुस्तान में आईएएस की प्रिपरेशन में कहते हैं कि यार एनसीईआरटी पहले पढ़ो। क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ह्यूमैनिटीज रेयरिटी ऑफ रेयर लोग स्कूल में लेते हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर लोगों को नौकरी करनी है तुरंत। तो स्कूल लेवल में जो सबसे प्रचलित स्ट्रीम है वह है पीसीएम, वह है पीसीबी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जो मेट्रो है दिल्ली मुंबई, वहां पे है कॉमर्स। तुम बहुत रेयर केस में यहां इस देश में किसी को 11th 12th में आर्ट्स लेते हुए पाओगे। तुम में से है कोई?
11 12th में, हाँ तो तुम फिर अजूबे हो कंट्री में। इज्जत ही नहीं है यार, इज्जत ही नहीं इस कंट्री में। अगर तुम कह दो कि हमने 12th जो है आर्ट से किया है तो बड़ी बुरी नजर से देखेंगे लोग तुमको, अच्छा इधर आओ, इधर आओ, पीछे आओ। तो आर्ट्स को क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बहुसंख्यक लोग जानते ही नहीं, मेजॉरिटी, क्योंकि आपने पढ़ा पीसीएम, आपने पढ़ा पीसीबी। तो हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, आपको पता ही नहीं। तो जब आपको यह नहीं पता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तब आप रटोगे, और जब आप रटोगे तो कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। तो आप तैयारी करोगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। हिंदुओं के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में।